हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोव्स। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही जाना था कि इथियोपिया में फेमिन की सिचुएशन हो रखी है, यानी कि इथियोपिया का टाइग्रे रीजन जो है ये क्राइसिस में है। किस तरीके की क्राइसिस है ये, इसके बारे में हम पूरे डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर अकाल की सिचुएशन आम जनता द्वारा फेस की जा रही है और इस चीज की पुष्टि यूएन एजेंसी ने पहले ही कर दी थी कि टाइग्रे में सैकड़ों हजारों लोग अकाल का सामना कर रहे हैं और लाखों लोगों की जान खतरे में है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो इथियोपिया गवर्नमेंट है उसने ये पूरे एलिगेशन को खारिज किया है। उनका कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर भोजन की पूर्ति नहीं हो पा रही है या फिर टाइग्रे इलाके में अकाल जैसी कोई स्थिति बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर भोजन की कमी है। इसके गंभीर दावे यहाँ पर आए हुए हैं यूएन एजेंसी के द्वारा। आखिर यहाँ पर फेमिन की सिचुएशन बनी किस तरीके से है, क्यों यहाँ के लोगों द्वारा अकाल की स्थिति बरकरार है, इसके पीछे रीजन कॉन्फ्लिक्ट है। जी हाँ दोस्तों, रीजन इथियोपिया गवर्नमेंट और टाइग्रे रीजन की रूलिंग पार्टी के बीच में चला आ रहा कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि आपका लास्ट सितंबर से ही चल रहा है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये क्राइसिस कैसा है, यानी कि क्या वजह है कि इथियोपियन गवर्नमेंट और टाइग्रे रीजन की रूलिंग पार्टी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहा। तो जैसे ही आबी अहमद की गवर्नमेंट इथियोपिया की सत्ता में आई और आने के बाद से उन्होंने टाइग्रे रीजन के जो इन्फ्लुएंशियल लीडर थे उनके प्रभाव को कम करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सत्ता में जो पकड़ थी टाइग्रे रीजन के लीडर्स की वो कम होने लगी। तो इसी वजह से यहाँ पर दोनों पार्टीज में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और इसका सबसे बड़ा खामियाजा वहां की जनता को फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गरीबी किस चरम सीमा पर आ चुकी है। महिलाओं को और बच्चों को सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है अगर इस तरीके का कोई भी पॉलिटिकल इम्बैलेंस या डिस्टरबेंस आ रहा हो। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जान गंवाने की स्थिति में आ चुके हैं। हालांकि यूएन ने इंटरनेशनली अपील किया है कि जो भी कंट्री यहाँ पर चाहे डोनेशन देना या फिर जिस भी तरीके से हो, हमें यहाँ के लोगों की मदद पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ ही इथियोपियन गवर्नमेंट से भी बात की गई है कि आप यहाँ के लोगों को जितना संभव हो सके प्रयास करें, लेकिन एलिगेशन इथियोपिया गवर्नमेंट के ऊपर लगे जा रहे हैं कि उनकी वजह से टाइग्रे रीजन के लोग फेमिन को फेस कर रहे हैं। अकाल की स्थिति यहाँ पर कोई नई नहीं है, यानी इथियोपिया में अकाल कोई पहली बार नहीं आया है। 1985 के दौर का जो अकाल था वो बहुत ज्यादा भीषण था। इस बात को भी चेताया गया है कि ऐसा भीषण अकाल ये नहीं होना चाहिए। हालांकि ये अकाल अपने बिल्कुल बिगनिंग स्टेज पे है, लेकिन ऐसी स्थिति अगर बरकरार रहती है तो लाखों लोग और मतलब मिलियंस ऑफ लोग आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे इनका माइग्रेशन हुआ है। और जब कोई इंसान माइग्रेट करके दूसरे इलाके में जाता है तो वैसे ही उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, वो वैसे ही पीछे छूट जाती है। उनका डेवलपमेंट पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सितंबर से ही कॉन्फ्लिक्ट जारी है और नवंबर आते आते अगर लोकल गवर्नमेंट के ऑफिशियल के बारे में हम बात करें, जो डाटा निकल के आया है, ये लगभग 2 मिलियन से ज्यादा लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। 2 मिलियन से ज्यादा लोग टाइग्रे रीजन को छोड़कर नेबरिंग कंट्रीज की तरफ माइग्रेट किए हैं, खास करके सूडान का जो इलाका है यहाँ पे माइग्रेशन हुआ है। लेकिन उसके बावजूद जो इथियोपियन गवर्नमेंट है उसकी नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट कमीशन, उसका ये मानना है कि ये जो डेटा दिखाया जा रहा है ये बहुत ज्यादा है, ये अनएक्सपेक्टेडली हाई है, यानी कि हम इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये इतना ज्यादा डेटा है। यानी कि इस डेटा को लेकर नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट कमीशन ने आपत्ति जताई है। लेकिन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स के बारे में बात करें तो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स ने कहा है कि ये वाकई में ये जो डेटा आया है ये बहुत ही ज्यादा हाई है। उन्होंने इस चीज को लेकर सहमति दिखाई है। साथ ही इस कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में जो सबसे बड़ी समस्या, यानी कि अकाल के अलावा जो सबसे बड़ी समस्या निकलकर आई है, वो लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ जो सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। इस चीज को लेकर यूएन ने भी अपना रिपोर्ट पब्लिश किया था, जिसमें इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स के हिसाब से ये जो वायलेंस हो रहा है औरतों और बच्चियों के ऊपर, ये सेक्सुअल जो वायलेंस हो रहा है, इसको युद्ध में एक विपन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि एक हथियार के तौर पे देखा जा रहा है। खाना रोक देना, महिलाओं के साथ अत्याचार करना, ये कहीं ना कहीं युद्ध में इस्तेमाल होने वाला एक विपन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इरिट्रिया लोकेटेड है और इसके जस्ट साउथ में हमें टाइग्रे रीजन दिख रहा है।
तो ये जो इरिट्रिया है ये इथियोपियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसने टाइग्रे इलाके में ज्यादा संकटग्रस्त स्थिति बना रखी है। यहाँ पर भोजन को लूट लेना और विमेन्स के साथ लड़कियों के साथ में सेक्सुअल अब्यूजमेंट करना, इस तरीके से जो टाइग्रे रीजन है इसमें सबसे ज्यादा जो भारी पड़ रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा इस टाइग्रे इलाके में शांति व्यवस्था और अकाल की स्थिति लाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कहीं ना कहीं इरिट्रिया है। टाइग्रे की पॉपुलेशन लगभग 6 मिलियन आबादी के साथ है और उसमें से हम देख रहे हैं कि 3.5 लाख लोग अकाल का सामना कर रहे हैं, तो ये संख्या बहुत ही ज्यादा बड़ी है। और इसके पीछे रीजन क्या है, ये मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है इन दोनों पार्टी के बीच में, यानी इथियोपिया गवर्नमेंट और टाइग्रे की रूलिंग पार्टी के बीच में, ये इसका सबसे बड़ा रीजन है। साथ ही इरिट्रिया जो है पीएम आबी अहमद का समर्थन कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और उसका सपोर्ट मिलने की वजह से टाइग्रे रीजन में और ज्यादा परेशानी और संकट की स्थिति बनी हुई है। अब जो इरिट्रिया के बल है, यानी कि इरिट्रिया की जो फोर्स है, इरिट्रिया फोर्स क्या कर रही है कि लाइव प्रॉपर्टी को डैमेज कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है प्रॉपर्टी को, क्रॉप को लूट रही है, साथ ही क्रॉप को बर्न कर दे रही है, जिस वजह से अनाज की किल्लत हो जा रही है टाइग्रे रीजन में। साथ ही वो सारे रास्ते जिन रास्तों से भोजन टाइग्रे रीजन में पहुंचेगा उस रास्ते को भी कैप्चर किया जा रहा है। हालांकि जो यूरोपियन इथियोपियन गवर्नमेंट है वो इथियोपियन गवर्नमेंट इनको सिर्फ एक आरोप बता रही है, उनका मानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक एलिगेशन है, और उन्होंने कहा कि ये जो फूड का शॉर्टेज है टाइग्रे रीजन में ये उतना भी ज्यादा सीवियर नहीं है जितना कि इसको बताया जा रहा है। साथ ही आपको ये बता दूं कि इथियोपिया गवर्नमेंट ने भोजन को डिस्ट्रीब्यूट भी कराया है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ उस इलाके तक ही है जहां पर इथियोपिया गवर्नमेंट एक्सेस कर पा रही है, यानी कि वो इलाका जो कि इनके इन्फ्लुएंस में है वहीं पर फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो पाया है। और साथ ही जो मिस्टर लोकोक है, यानी कि यूएन इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर मार्क लोकोक है, उनका ये मानना है कि जो टाइग्रियन आबादी है उसको भूखा रखकर जान से मारने की कोशिश की जा रही है, ताकि जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग मर जाएं, और ये भोजन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं युद्ध में एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि भोजन की कमी दिखा दो, भोजन सप्लाई पे बैन कर दो, अपने आप जनता भूखे मर जाएगी। तो ये भोजन पे रोकना, ये अकाल की स्थिति जानबूझकर लाई गई अकाल की स्थिति है, क्योंकि इसको युद्ध में इस कॉन्फ्लिक्ट में एक औजार के रूप में एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर यूएन इंटरफेरेंस के बावजूद अकाल की स्थिति बनी हुई है, ये स्थिति बनाई गई स्थिति है क्योंकि अकाल को एक टूल के रूप में एक औजार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर देखते हैं कि आगे इस अकाल का क्या रूप बाहर निकल कर आ रहा है। सो फिलहाल हेयर इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करें और भारत के बेस्ट कोर्सेज को अपनाएं। थैंक यू।